Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। मुझे लगता है कि कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान का स्वाभिमान का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री पर बन रहे हैं और देशवासियों को नहीं पूरी दुनिया को ये खुशी है और कई देशों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री उसमें आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मतलब राष्ट्रपति भवन आएंगे और नरेंद्र मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। मतलब जिस तरह तीसरी बार उनको मौका मिला है, एनडीए को पूरा बहुमत मिला है और हम सब लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। विपक्ष के नेताओं द्वारा जो है ज्यादा समय नहीं चलने वाली इंडिया अलायंस सरकार बनाई कुछ समय बाद, मुझे लगता है कि सरकार तो हमारी ज्यादा दिन चलेगी लेकिन इनका इंडिया अलायंस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मतलब इंडिया अलायंस से कई लोग बाहर आ जाएंगे और कई लोग मतलब बड़े बड़े लोग भी मतलब इंडिया आघाड़ी छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ नहीं भी आएंगे तो भी उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमारी सरकार को बिल्कुल धोखा नहीं है, 300 के ऊपर हमारे साथ पास अभी एमएलए एमपी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चंद्राबाबू नायडू है और मतलब चंद्राबाबू नायडू जी के तो अच्छे मतलब उनके साथ वो बड़ी संख्या उसमें है, 16 सांसद उनके पास 16 सांसद है और नीतीश कुमार जी है उनके पास 12 सांसद है, बाकी की छोटी मोटी पार्टियां सब हमारे साथ है और दोनों ने वादा किया है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही स्ट्रांग प्रधानमंत्री है और हम उनके साथ आखिर तक रहेंगे। तो इसीलिए एक साल में तो सरकार जाएगी ये बोलने में बिल्कुल दम नहीं है और नरेंद्र मोदी जी कुछ कम नहीं है। ममता बनर्जी जो शपथ ग्रहण समारोह का अगर मिलता भी तो वो नहीं आएंगी, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन नहीं मिला अभी तक। शशि थरूर का कहना है उन्हें भी इनविटेशन नहीं मिला, कल वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। मुझे लगता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मतलब किसको निमंत्रण दिया है गया है लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से निमंत्रण जाता है। मतलब हर पार्टी के जो नेता होते हैं जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे जी मतलब पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनको निमंत्रण जाएगा ही, मतलब उनको तो निमंत्रण जाएगा ही लेकिन अगर आना है या नहीं आना है उनके ऊपर डिपेंड है। तो हर पार्टी के नेताओं को मतलब बाकायदा अपोजिशन को भी मतलब निमंत्रण जाता है, तो इसी तरह उनको भी गया होगा, शशि थरूर को शायद नहीं गया होगा, वो भारत पाकिस्तान का मैच का यहां से देखना चाहते हैं कि अमेरिका जाने वाले मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो अमेरिका में मैच चल रही है चलेगी कल तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आप मैच देखने जाएंगे तो आप मैच देखो लेकिन हम तो हमारे मैच हमने जीत लिए है और 292 रन हमने निकाले हैं और हमारे रन अभी और भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बहुमत की सरकार आ गई है, हमारा महाविजय है और सीटें कम का विषय नहीं है, क्लियर मेजोरिटी हमको मिली है और इसीलिए मतलब जो भी विरोधी दलों को बोलना है बोलते रहे लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएगी और 5 साल तक सरकार चलाएगी। आखिरी 2 छोटे-छोटे सवाल सर, राहुल एलओपी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव आज कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक थी उसमें पास किया गया ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के साथ, क्या कहेंगे आप राहुल गांधी कांग्रेस के नेता होंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी CWC है या उन्होंने शायद राहुल गांधी जी का नाम तय किया अपोजिशन लीडर के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी तैयार है नहीं हमको मालूम नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी ने एक बार अध्यक्ष पद भी छोड़ा था जब 19 के चुनाव में बहुत भारी हार कांग्रेस पार्टी को खानी पड़ी थी,
44 ही मतलब सीटें उनको चुनकर लाने में असफलता मिली थी और उसमें भी 18 सीटें शायद केरला की थी, इसलिए वो इतनी सीट पर बढ़ गई है। नहीं तो 20-22 सीटों में कांग्रेस पार्टी निपट जाती थी, तो तभी उन्होंने आदेश पत्र छोड़ा था। अभी उन्होंने ये प्रचार किया कि संविधान का प्रचार किया कि संविधान बदलेगी, जो मोदी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते हैं वो मोदी कैसे संविधान बदल सकते हैं, जिस संविधान को पर हाथ रखकर शपथ ली है वो कैसे संविधान बदल सकते हैं। संविधान किसको भी बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर समाज में फूट डालने का काम किया, समाज तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकालने का और भारत तोड़ो या समाज तोड़ो का काम करने का ये नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा इन लोगों ने खेली है और अभी नरेंद्र मोदी जी एक ओबीसी समाज का आदमी, गरीब घराने का आदमी अभी प्रधानमंत्री पद पर है, वो इनको ठीक नहीं लग रहा है, ये एकदम अस्वस्थ है और सब पार्टियों को लेकर मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन मोदी जी भी कुछ कम नहीं है, हम उनके साथ है और इसीलिए अभी तो हम सत्ता में आए हैं, लेकिन अगली बार हमारी 2029 का चुनाव होगा उसमें हमारा प्रदर्शन और भी इतना अच्छा होगा कि मुझे लगता है कि अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का नाम तो तय हुआ है, अभी क्या अपोजिशन लीडर पद स्वीकारना है या नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो अगर राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बनते तो उनको हमारी शुभकामनाएं। आखिरी सवाल सर, नीतीश नेता है केसी त्यागी, उनका कहना है कि मतदान के बाद इंडिया एयरलाइंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था जिसे नीतीश कुमार ने नकार दिया। नीतीश कुमार ने ही इंडिया एयरलाइंस बनाया था लेकिन जब उन्हें कन्वीनियंट नहीं बनाया गया तो उन्होंने वो इंडिया एयरलाइंस छोड़ दिया और एनडीए का साथ दिया। मुझे लगता है कि केसी त्यागी हमारे अच्छे मित्र है, जनता दल यूनाइटेड के नेता भी है और उनका जो स्टेटमेंट है हमने भी मतलब इलेक्शन मीडिया में देखा, तो उसके बारे में हमको किसी जानकारी नहीं है। अगर वो बता रहे हैं तो शायद नीतीश कुमार को अपोजिशन वालों ने न्योता प्रधानमंत्री पद का दिया था कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को मालूम था कि एकदम जो निर्णय एकदम बदलना अच्छी बात नहीं है। अभी वो मतलब आरजेडी को छोड़कर मतलब बीजेपी के साथ आई थी और बीजेपी और जेडीयू ने यूनाइटेडली एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ा था, तो अचानक ऐसा पलटा बदलना ठीक नहीं है, इसीलिए मतलब नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ रहने का निर्णय लिया, मोदी जी के साथ रहने का निर्णय लिया। शायद उनको यह क्या अपोर आई थी मालूम नहीं है, ऑफर आ भी सकती है मतलब, तो इसी तरह के ऑफर देकर ये कुछ गुमराह करना चाहते हैं तो इसीलिए लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई उनका प्रस्ताव नहीं स्वीकारा है। नीतीश कुमार जी ने फूली ताकत से मोदी जी का समर्थन किया है, इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है।